इंसान और जिन उसके साथ कहा यू ही बाज़ों मेरा बाज़ है इनमें से बाज़ जो हैं वो बास पर वसवसा डालते हैं ये इशारा करते हैं है ना जी तीसरा इसमें वही के साथ है बाजुम एला बाजिन बाज एला तीसरा ये रब किया जा सकता है ना ये ये लिखने है ना जी ये वही का आ गया ना क्लियर ठीक है जी ये रब क्या आ सकते ना लिख लिया ना दो मुकलफ मखलूक है ना कौन कौन सी हैं इंसान शैतान यानी जिन जिन्नात जिन।, जिन जिन और इंसान मुकल्लफ बने ही इसलिए हैं कि इन दोनों में अच्छे बुरे हैं वरना मुकल्लफ कैसे हो सकते हैं मुकल्लफ मीन्स के जवाब देना होगा अगर सारी अच्छी जवाबदेही किया यार तो इसमें भी शैतानी जिन है शैतान शैतान जिन और इसमें भी शैतानी है शैतान इंसान ये मैं बता रहा हूँ क्या बाहू में लाबाज इन में से बास के बास अच्छा अब ये पूरा कंसेप्ट जगह जगह कुरान ने बताया है। कि ये इंसान जिसको अशरफुलमखलूक़ात बनाया है अगर वो अल्लाह की भेजी हुई हदायत के मुताबिक नहीं चलेगा रसूल और कुरान की बात नहीं मानेगा तो हम इसके साथ इसको लगा देंगे कि इसका साथी बना देंगे <laughs> है ना जी हाँ ये बड़ा ज़रूरी है अच्छा इस इंसान को बार बार मुतनबे किया कि इन नहू लकु मतूँ मुबीन ये तुम्हारा तो दुश्मन है इसको ख़बरदार किया फिर ये कहा कि तुम्हारा दुश्मन है तो सूर्य फातिर में कहा इंसान से कि तुमने इसको दुश्मन समझना है समझोगे तो इससे दूर करने की कोशिश करोगे ना सूर्य फातिर में है कि तुम्हें यह तो बता दिया दुश्मन है तुमने दिलो जान से ये समझना है कि ये तुम्हारा दुश्मन है दुश्मन ही करेगा तो इससे बचने की कोशिश करो अच्छा अब नहीं अगर बच रहा ये उस पैराई में है कि ये बाजह एला बान यानी अब इस पैराए में देखें इंसान इंसान के साथ शैतान लगा हुआ इस लफ्ज़ शैतान से क्या मतलब सामने आ रहा है कि ये बदआमालियों में मगन है शैतान है ना वरना तो अगर खरा इंसान हो तो वो तो साले हो जाएगा गलत कामों में बद आमालियों में मगन ये इंसान शैतान है शैतान है लगा ना दुनिया की रंगीनियां वो छोड़ो आखरत क्या है यार देखी जाएगी अपनी जिंदगी इंजॉय करो लगा हुआ है बिद्दत में लगा हुआ है वही है अब ये जिन्नात में से शैतान जो है ना यूं ही इसको ये वसवसा डालेगा कि शाबाश लगे रहो इसमें बदामालियों में मुजयन कर देगा बहुत सही काम कर रहे हो वेल डन वेल डन शाबाश लगे रहो इसको छोड़ना नहीं है छोड़ना नहीं है इसमें से तो पिसलना ना तुम यार तुम्हें इतनी इस्तकामत है मैं तो शैतान ये कह रहा है मैं तो खुश हो गया यार तुम्हारी साबित कदमी और इस्तकलाल देखकर लगे रहो लगे रहो शाबाश ये है असल रास्ता वो इंसान से कहेगा जिसमें तुम लगे हुए हो कमाल है तुमने सीधा रास्ता पकड़ा है इसको कहा है ज़ुख रफुल कौल यानी मलमा साजी करके उस पर रहेगा ज़ुख़रुफ सोने को कहते हैं ज़ुख अब ये वारदात करने के लिए तरीक़ार भी तो होना चाहिए ना तरीके वारदात ये ज़ुख़ रफुल कौल ये जो है ना तरीके वारदात है ज़ुख़ रफुल कौल कौल बात को कहते हैं ना बात को मलमा साज़ी करके खूबसूरत बना के हैं चमका के।, के फैसिनेशन हो ताकि और वो रगबत उसमें पैदा हो मुलम्मा साजी करके वो लगा रहेगा मुलम्मा साजी करके, शैतान हैं बार बार आया ना मुजैन करके वो करता है खूबसूरत और खुशनुमा बनाकर अब ये इस पॉइंट को इस तरह समझें कि एक जिन शैतान जिन कह रहा हूँ मैं जिन शैतान आकर अपने साथी इंसान शैतान के दिल में वसवसा डालता है यू ही इशारा करता है अलका करता है क्या करता है कि डन शाबाश, अपने मौकफ पर डटे रहो इसी का नाम इस्तकामत है इसी का नाम सबत गदमी है देखो तुम पिसलना ना ना इस रास्ते से और तुम्हारा मुखालिफ, जबकि तुम्हारा मुखालिफ जो है ना वो हक का दाई होता है इसका तो मुखालिफ यो ही होगा ना उसी को मुखालिफ समझेगा तो वो कहेगा तुम्हारा मुखालिफ जो भी कहे उसकी बात को नहीं मानना वो भटके हुए हैं तुम सही हो यार तुम सही कर रहे हो बेशक वो बिद्दत पर गलत कामों पर हो तो उसकी बात ना मानना ये होता है बामेबाज इनकी आपस में जोड़ और, और अल्लाह खुद इनको ये छूट दे रखी है मैंने पहले कहा है कश ना

कि कुछ लोग बिल्कुल ही गाफिल होते हैं लापरवाह होते हैं आख़रत से जवाबदही से उनका एक मुस्किल मजाज ही ये होता है बाक़ी जो आप कह रहे हैं उसका तो अल्लाह ताला ने कहा है कि तुमसे से गलतियाँ हो जाएँ ख़तएँ हो जाएँ तुम मेरी तरफ़ रजू करो मैं माफ़ कर दूँगा ये बार बार कहा है कहा है कि मुझे पता है इंसान जो है वो ख़ता का पुतला है गलतियाँ होंगी है इसके साथ नफ्स है वो उधर खींचेगा लेकिन तुमने तुमने जब भी नदामत हो एहसास हो तुम आ जाओ मेरे दर पर कि ये गलती हो गई ये नहीं करना चाहिए था मुझे हाँ नहीं नहीं हाँ, नहीं हाँ। नहीं। कोई अगर जाए ही ना और वो मगर है ना ये थोड़ा सा फ़र्क़ है है ना जी अल्लाह वक्ब पर तो, तो ये ये इस मायनों में है ठीक है ना जी अल्लाह वक् पर अच्छा चौथा पॉइंट क्या था फ़ज़र हम हैं इनको छोड़ दो ज़र का मतलब छोड़ना होता है ना फ़ज़र हूँ छोड़ दो आखिर में है ना अल्फाज आयत के आखिर में है लास्ट में कि फ़ज़र हूँ वमा यफ ये अल्लाह ताला ने अपने पैगंबर से ये फ़रमाया कि फ़ज़र हूँ इनको छोड़ दो वमा यफ तरून कहते हैं इफतरा ख़ुद से घर लेना ये जो बदामालियाँ कर रहे हैं इन्होंने ख़ुद से ही चीज़ें बनाई होंगी ना यहाँ पर ये मतलब है कि आपने तो अपना फ़र्ज कमा हक अदा कर दिया पैगमर से है ना खिताब आपने पैगाम पहुँचा दिया वाजे करके आपने हक और बातिल की तमीज़ बता दी क्या सच है क्या झूठ है आपने मुतनबे भी कर दिया कि अगर गलत कामों पर रहोगे तो बड़ा ड्रास्टिक कंसीक्वेंसेस हैं फिर भी अगर वो ज़िद हर पर रहती हैं तो उलझने की ज़रूरत नहीं है वमा बलाहुल मुबीन आपका काम था पैगाम को पहुंचा देना तो ये जो इफ्तरा परदाजियाँ कर रही हैं यफरून इनको मगन रहने दो पड़े रहने दो जब ये ज़िदी पर आ गए क्योंकि आना तो मेरे पास है ना वो जो ना बेउन फिर मैं बता दूंगा इन्हें यार कि किस तरह रसूल को झुटलाते हैं किस तरह अल्लाह की किताब की बात नहीं मानते तो कहा इनको ये जो यफ्तरून इफ्तरा पर्दाजियाँ हैं इन्हें पढ़े रहने दीजिए क्योंकि इसमें ये मायने भी हैं कि ये भी हमारी सुन्नत है कि हम इंसानों को ढील देते हैं वरना तो हम फ़ौर ही उनको शल कर दें अजाब दे दें हमें पता है ना बदामालिया कर रहे हैं वो लेकिन हम हमारा असूल है क्योंकि हम रहीम और करीम जाते हैं अल्लाह तह रहे हैं हम इनको रस्सी दराज़ कर देते हैं कि शायद शायद ये सीधे रास्ते पर आ जाएँ इन्हें एहसास हो जाए किसी भी मोड़ पर भी तो हो सकता है ना ये मायने हैं तो ये एक बड़ी कंप्रिहेंसिव आयत है ये बड़ी आयत है ये जामी है ये देखिए ये सारे पॉइंट जो है ना इसमें सारे पॉइंट्स जो है ना इसमें इस, इस अंदाज से आप इसको पढ़िएगा बास बास जो है ना वो कमाल की आयात होती है उसमें डेप्थ बड़ी होती है जितना भी आप पढ़े तो पढ़ हाँ तो ये ये बड़ी अहम है आयत ना तो कौन सा पॉइंट बताएं बताएं हैं नहीं ये मैंने अर्ज़ किया है ना यफ तरन अफतरा से है ना जी इफ्तरा से है ना घड़ लेना देखा देखा। अच्छा हनी मैं लिख देता हूँ यफ्तरून यानी ये बिल्कुल सही है यफ्तरून बिल्कुल सही कह रहे हैं आप यफ्तरून ये यफरूनी इस तरफ इशारा है ये सारे इनका इफ्तरा किया हुआ है ना शरीय में ना किसी रसूल ने बताया इफ्तरा का मतलब होता है घड़ लेना फैब्रिकेट करना इफ्तरा ये ये खुद साख्तः इनके अकायद हैं अमाल हैं खुद खुदसाख्ता खुद बनाए हुए अकायद और अमाल हाँ एक अफतरा भी है यस अखतरा भी है बिल्कुल सही है तो यहाँ पर ये यफ्तरुन इस मायनों में है कि शर् लिहाज से इनके अक़ीदों का इनके अमाल का कोई बुनियाद नहीं है कि ये कहें कि रसूल ने ऐसा कहा था यह फ़लाँ डिवाइन बुक में ये लिखा हुआ है तो ये इफ्तरा है ये खुद साख्ता है इनका अपना घड़ा हुआ है और ये अपना बनाया हुआ है ये यफ तो कहा कि ये मैंने अभी इस तरह पर्दासी कहा ना तो वो उसी मायनों में कहा था कि ये इनके अपने ही वो हैं इनमें पड़ा रहने दो इनसे ना उलझे और क्योंकि आपने अपना काम कर दिया बता दिया इसमें अब कोई एम्बिग्यूटी नहीं है अब अगर वो नहीं मानना तो वो जिद और हटदर्मी है उसका तो कोई इलाज नहीं है उसका कोई इलाज नहीं है दलाइल बेबस हो जाते हैं अब तार पर बैठा हुआ है वो कहता है जी ये चिट्टा है है आप बहुत सारे आर्गूमेंट दें आप राग गुजरते से कहीं यार ये इसका बताओ रंग क्या हो गया काला है यार फिर उससे पूछो क्या रंग है कल झुटा है यार अब आप उससे जुबान से कहवा कर दिखाए ये काला है जोर लगा दे आप कितना भी जो है ना फिर फिर आप उससे कहें कि यार तुम्हारे अपने जानने वाले हैं कुछ उनको बुला लो तुम्हारे अपने तो हो सकता है ना तुम ये कहोगे जी इनको ट्रेन किया हुआ है अपने दोस्तों को बुला लो वो आ गए उनसे पूछो कि ये तार पर बैठा है इसका कलर क्या है और काला है फिर उस बंदे से पूछो रह गए वो कहते हैं सफेद है यार अब का आप जुबान से करवा के देखें ये होता है जिद और हट वो दिल से कह रहा होगा कि यार ये जो कलर है मैं कलर ब्लाइंड है ना जी नहीं मानना देखिए जब ये हो ना कि नहीं मानना फिर कोई चीज़ नहीं होती कोई आर्गूमेंट कोई दलील कुछ नहीं होता फिर नहीं होता ये ये है ना इनका ऐसा ही था है। इनका आप शरीर वो तारीख पढ़े ना तो ये बात जगह अपनी महफिलों में कहते भी थे कि यार ये बात तो सच है और ये रसूल भी सची हैं ये हमारी किताबों में तो पेशन हुई थी ये तो बिल्कुल वही हैं लेकिन मानना नहीं है आपस में क्योंकि अगर मान लिया तो हमारी चौधराहटें हमारा मजावर और हम पता नहीं क्या क्या बने हुए हैं सारे लोग उधर चले जाएंगे तो फिर हम तो गए हमने अपने को कायम रखना है तो बस अड़ जाओ नहीं मानना तो ये था इसीलिए बग यम बई कुरान ने कहा है यम बई जिदम जिदम में, तो दिल में तो जानते ना। हाँ दिल में जानते हैं है तो कुरान ने कहा नहीं कि जिस तरह अपने बेटों को पहचानते हैं इस तरह हाँ यारिफूना कमा अब ना हूँ कुरान ने देखो कैसे कैसे लफ्ज इस्तेमाल किए हैं भाई सौ बंदे हों बेटे को तो पहचान लेगा ना इस तरह इन चीज़ों को पहचानते आप सही कह रहे हैं दिल से वो करते हैं

हाँ लेकिन लेकिन देखें जो भी उनके कॉल्ड ओलमा हैं वो आम बंदों को भी तो अपनी तरफ ही खींचते हैं ना कि यार उधर ना जाना आप सही कह रहे हैं वो रोकते हैं कि यार वो नहीं ये वो सही नहीं है कुरान देखो ना कई जगह उन्होंने कहा ये भी उन्होंने तरकीब बनाई कि अपने कुछ बंदों को कहा मुसलमानों की तरफ जाओ सुबह और कहना कि आमन्ना हम ईमान ले आए हाँ जो मतलब है अच्छे रीनाउंड थे और शाम को जो है ना वापस आ जाना क्या होगा मुसलमान जो ईमान ले आए शक व शुभात पैदा होंगे यार वो तो यहूद कौम का एक बड़ा आलिम आदमी था समझदार तो उसने अंदर आके देखा तो इसका मतलब सही नहीं ये वापस चला गया यार उसे छोड़ दिया अब ये है शक को शुभात बद पैदा करना उन्होंने बड़े बड़े तरीके इस्तेमाल किए ये चीज़ें हैं ये है कुरान ने इन चीज़ों को बयान किया है कि ये साजिश ही ये इस किस्म की करते थे तो मेरा ख्याल है आपकी क्लास का टाइम हो गया साढ़े सदाज़ीम व माँ नाबलामबी वाखिल दावा नादिल्लामी